नमस्कार। खबर वडाली, असर वडाली। वापी मां अने वलसाड जिल्लाना दमण दादरा नगर हवेली सामाजिक सेवाकीय प्रवृत्ति माटे फंड एकत्र करवाना उद्देश्यथी माहेश्वरी सेवा समिति द्वारा हास्य कवि सम्मेलननु आयोजन करवामां आव्युं छे। वापीनी ज्ञानधाम स्कूल में रविवार 7 एप्रिले 2024 सम्मेलन योजाशे, जेमां कवि कुमार विश्वास सहित ख्यातनाम कविओ उपस्थित रहेशे। जय श्री कृष्ण। मैं माहेश्वरी सेवा समिति की तरफ से कवि सम्मेलन जो 2024 में आयोजित हो रहा है उसका प्रोजेक्ट चेयरमैन हूँ, और हमारे साथी को चेयरमैन श्री विनय माहेश्वरी जी और राम स्वरूप जी लड्डा भी है, और हमारे श्री रामनारायण जी काबरा गोपाल जी माहेश्वरी भी है, और हमारे विशेष कार्यकर्ता नंदू भाई के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। ये पिछले 20 साल से हम लोग कवि सम्मेलन कर रहे हैं, और जैसे काबरा जी ने बताया कि हमारा फोकस यही है कि हिंदी साहित्य को हम प्रमोट करें, ये हमारा मेन मुद्दा है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे इंटरनेशनल नेशनल सभी ख्यातिमान कवि हमारे पास आके गए, जैसे अशोक चक्रधर है, शैल चतुर्वेदी जी है, शैल चतुर्वेदी 2 बार आके गए हुए हैं, और लोढ़ा जी आके गए हुए हैं। ऐसे सभी कवियों को हम लोगों ने बुलाया हुआ है यहाँ पे। और आपकी बार का हर बार का कवि सम्मेलन हम सैटरडे को रखते हैं, मगर आपकी बार हम लोगों ने संडे को रखा हुआ है, और शाम 7 बजे शार्प चालू हो जाएगा। ये सभी लोग ध्यान रखें और 7 बजे के पहले अपना सीट ग्रहण करें, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, तो उस हिसाब से आचार संहिता भी लागू हुई है, तो हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं रात को, तो सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और शार्प 7 बजे प्रोग्राम हम स्टार्ट कर सकें, इसके लिए हमको सहयोग दें, ये हमारी विशेष विनती है माहेश्वरी सेवा समिति की तरफ से। ये प्रोग्राम हो रहा है अपना ज्ञानधाम वापी स्कूल के प्रांगण में 7 अप्रैल शाम को 7 बजे संडे रविवार को। हमारी मतलब 5,000 से 7,000 लोग सम्मिलित हो, उस तरह से हम लोग ग्राउंड को अरेंज कर रहे हैं। और हमको आपकी बार जैसे कुमार विश्वास जी की प्रेजेंस है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमको लग रहा है कि ये ग्राउंड खचाखच भरा रहेगा। और स्टैंडिंग जैसे कि हमारे साथियों ने बताया आपको कि हम लोग हर वर्ष कपराड़ा के आदिवासी बहुल एरिया में पिछले 20 साल से हम लोग 20,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करते हैं, जिसमें सभी समितियों का सहयोग है। समिति के अलावा जो डोनेशन मिलता है वो भी वहाँ पे यूज होता है। उसके अलावा ये जो भवन है विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जैसे माँ फाउंडेशन जैसे आदिवासी बहुल एरिया से जो लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या कोई भी करियर गाइडेंस के लिए, उनके लिए उपलब्ध है। और मांगलिक कार्यक्रम के लिए भी हमारा भवन बिल्कुल कम इसमें अमाउंट में सभी के लिए, सभी समाज के लिए उपलब्ध है। इसका जो आगमन है वो 7 तारीख रविवार ज्ञानधाम स्कूल के प्रांगण में 7 बजे उनका कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। और ये जो हास्य कवि सम्मेलन है ये एक्चुअली हमारे माहेश्वरी सेवा समिति का हिंदी साहित्य की विकास के लिए एक कदम है, जो हम 20 सालों से एक ऐसी भूमि पर कर रहे हैं जिसकी मातृभाषा गुजराती है। गुजरात के इस प्रदेश में हिंदी का विकास और हिंदी को समृद्ध बनाने का ये प्रयत्न माहेश्वरी समाज लास्ट 20 सालों से कर रहा है। और यहाँ पे देश के तमाम ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के प्रसिद्ध कवियों को हम यहाँ बुला चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अभी अमूमन जितने भी ख्यातनाम कवि हैं वो सब आ चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। स्वयं कुमार विश्वास भी यहाँ पे ये 5 बार आ चुका है। तो ये हमारी जो सेवा है माहेश्वरी समाज की तरफ से, ये हिंदी साहित्य के प्रति है, हिंदी भाषा के प्रति है, और ये यहाँ पे बहुत लोकप्रिय है। गुजराती भाषा होने के बावजूद यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है हम प्रतिवर्ष लेते हैं।